सब अभी मोहम्मद आरिफ भाई के लॉफ्ट में। सो भाई के पास फैंसी कबूतर भी थे, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा तो हमने ललसरे कबूतरों का शौक कराया था, और भाई के पास काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आए थे कि भाई बहुत शानदार है। सो अभी फैंसी कबूतर दिखा रहे हैं, तो इनको कौन से फैंसी बोलेंगे अपन? इनको भाई इनको ब्लेंटीनेट बोलते हैं। कौन? सेंटीनेट। एक होता है सेंटीनेट, एक होता है ब्लेंटीनेट। अच्छा ब्लेंटीनेट जी, ये वो कबूतर हैं। जी जी जी। तो ये कबूतर भी मेरे शौक के रखे हुए हैं। जी जी। सो आपके पास शिराजी कबूतर भी थे? हर शौक रहता है मुझे, बस जो किसी से होता है कि ज़्यादा शौक हो जाता है, तो दलसरे का तो खैर ज्यादा शौक है ही है, लेकिन कुछ फैंसी रखे हैं और इसी कलर के हैं ज्यादा मेरे पास। अच्छा। सो दोस्तों हमारे साथ भाई लोग भी शौक कर रहे हैं, सारे के सारे कबूतरबाजी लोग हैं। कुछ लोग इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। आरिफ भाई भी जॉब ही कर रहे हैं, दाऊद भाई भी हैं साथ में। नमस्ते दाऊद भाई। तो दाऊद भाई के साथ ही हम आए हैं आरिफ भाई की छत पे, और आरिफ भाई के पास तो ज्यादातर हाई फ्लैट्स थे, तो भाई के बोल रहे हैं कि मैं फैंसी का भी शौक करता हूँ भाई। जी भाई, बट जो फेमस है भाई ललसरे कबूतर के नाम से ज्यादा फेमस है वो। हाँ, मैंने क्या कहा कि किसी जैसे घर में, एक मिसाल देता हूँ कि घर में अगर किसी के पांच बच्चे होते हैं तो हाँ, से एक खास तो होता ही है। जी जी जी। लोग जिससे ज्यादा मोहब्बत, खैर बच्चे तो सभी हैं। जी, एक मिसाल दे रहा हूँ दुनिया से, इसी तरीके से मेरे पास कबूतर तो है। हाँ जी। ज्यादा जो शौक है मुझे खास करके वो ललसरे हैं, और कबूतर तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं। कबूतर बास का तो यही मसला है, मुझे सब कबूतर अच्छे लगते, सारे कबूतर अनमोल होते हैं उनके। और भाई को ना ललसरे के नाम से पूरे भोपाल में जानते हैं लोग, क्योंकि काफी मस्त मस्त कबूतर है। सो इनके बारे में आपने क्या नाम बताया था इनका? ये ब्लेंटीनेट है। ब्लेंटीनेट। हाँ। तो अभी ये पूरा एडल्ट साइज है? हाँ, ये फुल साइज है, ब्रीडिंग है, इनके बच्चे भी बहुत है और यही कलर है ज्यादातर। अच्छा, येलो आईज बोलेंगे अपन इनको। हाँ, ये फैंसियों में ज्यादातर येलो आज में ही रहती है कि सेंटीनेटों पे। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो कबूतर है वो मीडियम साइज के कबूतर है ना? हाँ, नहीं ये साइज ही इनका छोटा ही होता है। अच्छा। हाँ, तो दोस्तों देख सकते कबूतरों का साइज जो है सेम यही रहेगा, इससे बढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत छोटा साइज रहता है। और जब ये उड़ते भी है भाई ये थोड़ा बहुत, कितना उड़ लेते हैं ये? हाँ, उड़ने का तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो उड़ ही लेते हैं, मतलब ऊपर नीचे तो कर ही लेंगे, लेकिन अभी तक ना मैंने किसी से सुना है कि भाई ये कोई किसी ने उड़ाया हो ये सब चीज़ों को। जी जी जी। जो फैंसी कबूतर, ये कबूतर लोग इसलिए नहीं उड़ाते कि अब जैसे लोग टूर्नामेंट खेलने का शौक रखते हैं। जी जी जी। उनको चाहिए 8-8, 10-10 घंटे की उड़ान। जी, अब ये तो वो कर नहीं पाएंगे। तो ये शो क्वालिटी के कबूतर हैं। हाँ, सिर्फ शौक करने वाले हैं ये, तो ये बस ऊपर नीचे बैठे रहते हैं, सिर्फ खूबसूरती शौक। ये कबूतर सिर्फ खूबसूरती के लिए माने जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग सोचे कि इनको भी अपन उड़ाया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये उड़ाने के नहीं होते, ये तो सिर्फ खूबसूरती के लिए, शौक के लिए। सो इनको अपन इसके अंदर जाल के डालने डालते हैं, और इनका भी शौक कराते हैं लोगों को कि किस तरीके से दिखते हैं ये। सो दोस्तों देख सकते हो ब्लेंटीनेट कबूतर बोलेंगे इनको, है ना? तो दोस्तों देख सकते हो कितने ज्यादा खूबसूरत। तो अभी मैं इसमें एक ही पिंजरे में इनके थोड़े से बच्चे निकाल के दिखा देता हूँ। ले आइए भाई। जी जी जी। तो आरे भाई ने अभी इनके अंदर इन्हीं के जो बच्चे हैं निकले हुए हैं, सो इसी के अंदर डाले हैं। सो भाई ये फुल साइज का एडल्ट पेड़ था जिनके ये बच्चे निकले हुए हैं, और देख सकते हो ये बच्चे किस तरीके से एकदम डार्क कलर के, इनका जो कलर है धीरे धीरे इनहेंस होने वाला है, काफी ब्यूटीफुल। एंड जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो कलर है भाई, मिक्स कॉम्बिनेशन इतना मस्त है, क्या ही बोलो भाई, कितनी तारीफ करें उतनी कम है। और भाई अभी कुछ और कबूतर दिखाने वाले, तो मैं आपको उसका भी शौक कराने वाला हूँ। ये है स्प्लेंटीनेट कबूतर। मतलब और भी है मेरे पास, लेकिन अंडे पे बैठे हुए थे इसलिए मैंने सोचा की परेशान नहीं करूँ उनको। तो भाई सब काफी ज्यादा अच्छी ब्रीडिंग लेते हैं भाई, और जो इन्हीं में से एक कुछ अल्टीमेट चीज निकली हुई है वो भी दिखा देता हूँ। जी जी जी। सो जितने भी कबूतर है गाइस, ये अवेलेबल है सेल्स के लिए। सो मैं नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे भाई का, सो आप भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा मानना ये है कि आप भाई को ना फोटो लेकर कबूतर की व्हाट्सएप करें। ये देखिए। और जी जी जी, काफी स्पेशल कबूतर है सब में सबसे ज्यादा। दिखाइए भाई, जाल में रख के दिखाएंगे कि हाथ में रख के दिखाएंगे भाई? ऐसे भी दिखा देता हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा खूबसूरत इस कबूतर, इस कलर को क्या बोलेंगे भाई? भाई अब इनको तो क्या कलर बोलेंगे, बस इनसे ही निकले हुए हैं। ये काफी ब्राउन कलर में दिख रहा है ना, ये पूरा पेयर इन्हीं में से निकलेंगे। हाँ। और भाई सबसे ज्यादा यूनिक जो कबूतर इन पूरी जाल के अंदर है ना, सबसे ज्यादा खास जो कबूतर दिख रहा है। और ये सब कॉल मैंने आप लोगों को बोल दिया, ये अवेलेबल है सेल्स के लिए। सो मैंने जो स्क्रीन पे नंबर दिया भाई का, आप लोग भाई को व्हाट्सअप कर सकते हो, और शाम के टाइम चाहो तो कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि दिन में ना करें तो बेस्ट है भाई, क्योंकि काम भी करते हैं। सो आरिफ भाई एक और फैंसी का जुड़ा लाए, क्या बोलेंगे इन कबूतरों को आप बताइए? तो शिराजी है। ये शिराजी है। सो ये अभी अपने घर के ही कबूतर है? हाँ, ये भी घर के ही है जी, और इन्हीं कलर के बहुत कबूतर है। अच्छा, सेम कलर के? हाल फिलहाल तो एक ही शो करा देता हूँ, एक ही करा देते होते हैं, क्योंकि कबूतर असल में पकड़ता नहीं हो ना। जी जी जी। तो इसलिए आपको बहुत परेशान कर देंगे कबूतर आज। तो इनके ये वाले भी अवेलेबल हो जाएंगे सेल के लिए? हाँ, इनके भी बच्चे रखे हैं मेरे पास, बहुत बच्चे हैं। अब मैं क्या बताऊँ कि अभी जैसे सेंटीनेट छोड़ा मैंने, जी अभी इनको भी छोड़ूंगा तो वो पिंजरा भर जाएगा। जी, तो भाई साहब देख सकते हैं शौक कर सकते हैं कबूतरों का, फैंसी कबूतरों का। भाई के पास फैंसी भी हैं, हाई फ्लैट्स भी हैं। सो भाई इनको पिंजरे में छोड़ते हैं और शौक करते हैं इन कबूतरों का, और काफी खूबसूरत कबूतर हैं शिराजी। ये देखिए दोस्तों शिराजी कबूतर भाई के, और होप करता हूँ ये फैंसी कबूतर की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।